हाय डियर फ्रेंड, आरआरबी जे 2019 का बायोलॉजी, जनरल साइंस का बायोलॉजी का हम नाइन्थ वीडियो देख रहे हैं। तो जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसा कि हमने बायोलॉजी के 8 पार्ट में हमने ये देख लिया था कि पहला एसेटेंस देता है, दूसरा रीजन देता है और उसके कोड्स हम जैसे मैंने पहले बताया कि दोनों पहले वाले जो ऑप्शन होता है उसमें दोनों करेक्ट होते हैं और सेकेंड वन वाला पहला का करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है। दूसरे में क्या होता है, दोनों करेक्ट होते हैं लेकिन सेकंड वाला पहले का एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। थर्ड जो होता है उसमें ये कहता है कि पहला वाला राइट है और दूसरा वाला रॉन्ग है, और फोर्थ जो कहता है पहला वाला रॉन्ग है और दूसरा वाला राइट है। ठीक है, तो देखिए इसमें एडसेंटेंस क्या दिया, अ मैन विथ ओ ब्लड ग्रुप मैरिड टू वुमेन ऑफ ब्लड ग्रुप ए बी, देन चाइल्ड विल नेवर गेट एन ए बी ग्रुप। ठीक है, कि जो चाइल्ड होगा वो कभी भी ए बी ग्रुप का नहीं होगा। दूसरा के रीजन क्या, ब्लड ग्रुप ओ जीन इज डोमिनेटेड ओवर ए बी और ए बी, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, पहला राइट है और दूसरा रॉन्ग है। ठीक है, पहला राइट और दूसरा रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ डिसीजेज आर डेफिशिएंसी डिसीजेज। ठीक है, इनमें कौन से ऐसे डिसीजेज हैं जो डेफिशिएंसी डिसीजेज हैं। ठीक है, तो देखिए पहला दिया है सिंपल गोइटर एंड ओरिएंटल सोर, दूसरा दिया है जीरोफ्थैलमिया एंड कलर ब्लाइंडनेस, तीसरा दिया नाइट ब्लाइंडनेस एंड मैरिस्मस, एंड फोर्थ वेरी वेरी एंड ऑस्टियोमलेसिया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, थर्ड एंड फोर्थ आपने देख लेना है। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट इन अ हेंस एग, जो मुर्गी का अंडा होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट कितना पाया जाता है, कितने ग्राम पाए जाते हैं। तो देखिए ऑप्शन दिया है 0.61 ग्राम, 0.5 ग्राम, 1.3 ग्राम, 2.5 ग्राम। तो कितना पाया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर थ्री का ए 0.61 ग्राम पाया जाता है। हेंस एग में 0.61 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर फोर देख लेते हैं, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ परमानेंट इंसीजर इन बोथ द अपर एंड लोअर जार्स ऑफ द कैटल्स एंड बुफेलोज। तो कैटल और बुफेलो में दोनों ऊपर और नीचे जॉज में कितने परमानेंट इंसीजर्स होते हैं टोटल नंबर, तो 4, 8, 12 और 16, जिसका करेक्ट ऑप्शन है बी 8। ठीक है, तो याद रखना है 8। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, व्हाट इज द गेस्टेशन पीरियड ऑफ कैमल, जो कैमल होता है ऊँट होता है उसका गेस्टेशन पीरियड कितना होता है। तो ऑप्शन दिया है देखो 280 to 300 days, 320 to 350 days, 365 to 400 days एंड 425 to 440 days। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 320 to 350 days, याद रखना 320 to 350 days। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, मैच द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो इन द लिस्ट। ठीक है, कैटल्स और जिसमें लाइफ ऑफ स्पान दिया है कि जो कैटल्स होते हैं उनका लाइफ ऑफ स्पान कितने ईयर होता है, इन ईयर में दिया हुआ है कैटल्स गोट सीप कैमल्स। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। सी मतलब यहाँ पे जो सी ऑप्शन दिया है मतलब ए का दूसरा है। ठीक है, ए का मतलब कैटल्स जो होते हैं 20 to 25 years, गोड से जो है बी का वो कितना है 4, मतलब 45 to 50 होता है। ठीक है, गोड्स क्वेटल से ज़्यादा होते हैं। फिर सीप, सीप का क्या है करेक्ट ऑप्शन 10 to 25, और जो कैमल होते हैं उनका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 3, 20 to 25 years, ये याद रखना है। ठीक है, इनमें सबसे ज़्यादा है ईयर्स वो है गोड्स का, याद रखना। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ए प्लांट ओपियम इज ऑप्टेंड, प्लांट ओपियम इज ऑप्टेंड। तो 7th का जो ऑप्शन दिया हुआ है, डिराइव्ड लीव्स, ड्राइड लेटेक्स, ड्राइड लीव्स, ड्राइड लेटेक्स, रूट्स, स्टेम बार्क। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी, ड्राइड लेटेक्स। ठीक है, ये ड्राइड लेटेक्स प्लांट का एक पार्ट है जो ओपियम ऑप्टेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज अफेक्टेड बाय द अर्ली ब्लाइट डिसीजेज, अर्ली ब्लाइट डिसीजेज हो जाता है। तो पोटैटो, राइस, शुगर कैन, व्हीट।
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 8 का वो है ए, पोटैटो में, ठीक है, अर्ली ब्लाइट डिसीजेस हो जाता है, ठीक है, पोटैटो इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, वेयर इज द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया इज लोकेटेड, दिल्ली, बेंगलोर, मद्रास, लखनऊ, तो करेक्ट ऑप्शन है डी, लखनऊ, ठीक है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिशिएंसी कॉजेज द डायट्री डेफिशिएंसी ऑफ यूरोपथैल्मिया, यूरोपथैल्मिया, प्रोटीन, विटामिन ए, रिबोफ्लाविन, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, लिनोलाइक एंड लिनोलेनिक एसिड, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट ऑप्शन है बी है, विटामिन ए, याद रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बायोलॉजी का 9th पार्ट कंप्लीट किया। इस तरीके से आप रेगुलर बेसिस पे 10th वीडियो देखते जाइए ताकि आपका बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो आप तक पहुँचे। सो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।